जो आप लोग जो फिगर्स निकालते हैं और फैंस निकालते हैं कि हजार करोड़ भाई, ये इनकम टैक्स और ईडी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ रूमर्स फैल रहे थे कि सलमान खान ने जो बिग बॉस की फीस है वो 1000 करोड़ ली है, लेकिन ऐसे में सलमान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ बोला है इस बारे में कि उन्होंने कितनी फीस ली या 1000 करोड़ लिया नहीं लिया। मैं आपको सबसे पहले वो छोटा मोटा वीडियो दिखाता हूँ, आप सबसे पहले छोटा मोटा वीडियो देख लीजिए। It is 1000 crores, okay? अगर मुझे ये मिल जाए ना, हाँ, तो मैं लाइफ में नहीं काम करूँ, लाइफ में नहीं काम करूँ। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिसे मिलेगा, और ये अगर मिल भी जाए मुझे, अगर ये प्राइस है भी, हाँ, तो मेरे बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो कि हाँ, लॉयर वॉयर की फीस बहुत है वो सब उसमें चला जाता है। अरे लॉयल भी हमारे सलमान खान है भाई, यहाँ पे सलमान खान कमाता है, वहां पर सलमान खान लेके जाता है। 1000 नहीं तो चलो 999। अरे कुछ नहीं ऐसा, उसका वन फोर्थ नहीं। ये होता ना, ये जो बड़ा चढ़ा के जो आप लोग जो फिगर्स निकालते हैं और फैंस निकालते हैं के हजार करोड़ भाई, ये इनकम टैक्स और ईडी भी नोटिस करता है और वो आते हैं और फिर उनको पता चलता है हकीकत क्या है, समझा? इट्स ऑल गुड। ओके, रिसेंटली काफी शादियां हुई है बॉलीवुड में, ओके? तो अगर कोई बॉलीवुड कपल को आप बिग बॉस के घर में लॉक करना चाहें या कंटेस्टेंट बनाना चाहें, गाइस आपने छोटा मोटा वीडियो देख ही लिया होंगे, सलमान खान ने साफ इनकार कर दिया कि उनकी इतनी सारी फीस नहीं है। तो ऐसे में जो भी रूमर्स आते हो, कई सारे झूठे भी होते हैं, कई सारे सच्चे भी होते हैं। लेकिन इसी पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, सलमान खान ने 1000 करोड़ फीस लेना चाहिए था बिग बॉस से या नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।